गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू फ्री बर्ड्स। हाउ आर यू ऑल? यार देखो, कुछ क्लिप्स मैंने ली हुई है एक दो दिन की, तो मैं इस पे डाल रही हूँ। आप एंजॉय करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो मिलते हैं, मैं एंड में मिलती हूँ अभी, अब तक आप मेरा वीडियो एंजॉय करो। ये कर रही है मम्मा अपनी क्यारी तैयार। इधर मेथी पड़ी हुई है, इधर लगाएंगे मिर्च के पौधे, फिर इधर लगाएंगे हम कुछ और, इधर लगाएंगे कुछ और, और यहाँ पे है। ये अच्छा है, पता है सोसाइटी वालों ने ना, मतलब घर के फ्रंट में सबको ही इतना इतना पोर्शन दिया हुआ है गार्डनिंग के लिए कि आपका इतना एरिया है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। सबके घर के आ गया है, और फ्रंट में तो छोड़ना ही है, कंपलसरी है कि आपको इतना छोड़ना ही है, आपकी इच्छा है तो आप नहीं है तब भी और है तब भी छोड़ना तो है। अच्छा है यार, है ना, मतलब पेड़ पौधों से घर की शो होती है, वरना मुझे तो ना गंजा गंजा लगता है क्योंकि ऐसे बाल नहीं हो ना चांद पे, ऐसा लगता है। और यह है पारिजात का पेड़, ये मैंने पहले भी कई बार दिखाया हुआ है, बहुत शुभ होता है, घर में लगाना चाहिए, इसकी पूजा भी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये वाला, ये देखो जल्दी जल्दी बड़ा होता है कि धीरे धीरे बड़ा होता है, पर काफ़ी टाइम हो गया ये इतने का, इतना ही है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा। वाह शाबाश बेटा, खुद रहे। सो अभी आज है मेरा मंडे का फास्ट, मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए आलू। यार देखो घर में सब ऐसे रहते हैं ना, है ना, कौन ज़्यादा रेडी शेडी हो गए तो कोई नहीं रहता, फिर वो फेक लगेगा, है ना, फिर वो ब्लॉगिंग क्या हुई, फेक हो गया, हमेशा रेडी शेडी होकर रहने वाली बात। तो सो यस, मैं अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू। देखो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कैसे बनेंगे। क्या हुआ था विश? मुझे तुम्हारा फेस देख के तो मुझे नहीं लग रहा है तो डाटा दिखाना जरा फेस। डाटा तो रोते हैं, आप तो स्माइल कर रहे हो, ये कैसे, और ये क्या कर रहे हो? कुछ भी सही, डाटा होगा तुम्हारा फॉल्ट होगा। मैं गिर जाऊंगी तो चलो मैं आलू कट कर दूं। तवेश तवेश ले रही हूँ चार आलू, एक और ले लूँ क्या, चार काफी होंगे, कट करके देख लेते हैं पहले। आलू की सब्जी, पर अभी मम्मा ने बोला बहुत सारी सब्जी रखी हुई है, ये भी रखा है वो भी रखा है, मुझे पता नहीं था क्या क्या रखा हुआ है। मम्मा देख, सेम की, हाँ हाँ, टूटे यार सिंबल टूटे मुझे बहुत पसंद है, ये तो मैं खाऊंगी। और मैं व्रत में ना एक बार पूरा खाना खा लेती हूँ, कभी कोई बोले कि खाना खा रही हो व्रत में, और आलू का रायता, और मुझे कद्दू भी पसंद है, खट्टा मीठा कद्दू। तो चलो मुझे खट्टा मीठा पसंद है, मुझे नमकीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खट्टा मीठा मैं एक बार के लिए, एक बार के लिए नहीं बहुत बार के लिए खा लेती हूँ, मुझे पसंद है। कद्दू पूड़ी, कद्दू पराठे, रोटी, बहुत शोर मचा रहा है, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, रुको मैं भी आती हूँ थोड़ा सा इलाज करके। ओ बेटा आपका ट्रीटमेंट हो तो गया, एक और खासियत है जो इसको मारता है ना, ये उसी के पास जाके चिपकता है। क्या हुआ, मारा भी नहीं आपको इतनी जोर से, कितना रो रहे हो, ये देखो स्माइल भी कर रहा है साथ में, नाटक वाला रो रहा है, नाटक वाला रो रहा है। तो ये हो गया सरसों का तेल, अच्छे से पक जाना चाहिए। ये डाली है मम्मा ने मेथी, मेथी से ही टेस्ट आता है कद्दू में बहुत अच्छा वाला, और यार मुझे ना साबुत मिर्च का बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ हो, आलू हो या कुछ हो, आई लव दिस रेड साबुत मिर्च, एक अलग ही टेस्ट आता है। अब डालेंगे हम हींग, ये अब डाले मम्मा ने हींग इसके अंदर, अब गया हमारा कद्दू, ये बॉईल कर लिया था, उसमें जो भी एक्सेस वाटर होता है ना वो निकाल दिया करा करो, मतलब उसको ड्रेन आउट कर दो, और सिर्फ हमें कद्दू चाहिए, आधा नींबू, वो डिपेंड करता है कितना कद्दू है आपका, है ना, ये हमारा हाफ के जी कद्दू था ना, हाफ के जी कद्दू था, हाफ नींबू डाल दिया। ये मम्मा ने अपना निकाल लिया है बगर गुड़ वाला, मतलब मेरी सिर्फ नमकीन, मीठा खट्टा मीठा नहीं, अब मम्मा डाल रहे हैं इसमें, ये बन गया है कद्दू, हम इसको लेंगे खाया, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठों के साथ, पूरी के साथ। किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर, पापा को गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस ये मेडिसिन देने के लिए आई थी, पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन है, पुदीन हरा ये वो,
सब ले आएगी। मैंने कहा किसी से तो रिलीफ मिलेगा ही उनको, तो चलो मैं लेकर आती हूँ, बात निकलती हूँ अपने फ्रूट्स। मेरा ना गोवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, अगर दिखता है ना मुझे तो मैं लेती हूँ। और ये देखो ये अंकल ने बच्चे का बैग टांगा हुआ है, कैसे लग रहा है दिखाती हूँ। सो जो भी काम था मेरा डन हो गया है, अभी चलते हैं देखते हो कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। एंड मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मास्क के बिना हम कहीं नहीं निकलते, जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो वहाँ। तो मैं भी आ गई हूँ घर, क्योंकि मुझे रास्ते में ना एक प्लांट्स बेचने वाले अंकल मिल गए थे, उनके पास बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे और बहुत सारे प्लांट्स थे, तो मैंने उनको लेके घर आ गई सीधा। एक ही है महंगा आता है ये वाला? अच्छा अच्छा, इतना बड़ा है ये, ठीक है बेटू। और ये वाला, ये इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम होता है? ये डहलिया। डहलिया है ना ये वाला? और ये वाला कितने का? डहलिया, डहलिया 40 रुपए। अच्छा क्रीपर भी है क्या? ये घास है क्या ये फैलने वाली? नहीं ये वो है, पिटोनिया बोलते हैं, बड़ा फूल आता है। कैसा है? नहीं अभी खिला हुआ इस पे कोई फूल? क्या ऐसे ही होता है, में बड़ा फूल खिलता है, बड़ा फूल। अच्छा ये पूरी भरता रहता है। ओके ओके। और ये गेंदे के कितने कितने के हैं? गेंदा 20 का। अच्छा भैया निकाल दिया वो तार ऊपर, ठीक है। हला ये कौन सा है भैया? ये सब सीजन के ही है, वो नाम क्या है इसका? करण डोरा बोलते हैं। करण डोरा, हाँ ये आते हैं, कली आ रही है सारी। अच्छा पूरे पहले ये कितने का एक प्लांट? ये भी 20 रुपए का। एक ये भी दे दीजिए 20 का। गेंदे के ना दो ले लेते हैं, एक ये वाला प्लेन वाला मम्मा, और एक ये डबल शेड वाला। यार मुझे ना ये बहुत पसंद है, पाम ट्री ना, मतलब ये वाले। माँ देखो ये वाले 120 का एक है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, मैं ले लूँ। परमानेंट पौधा है, लग गए। आप ले आना फिर और भी पौधे, ठीक है, जो मम्मा बोल रहे हैं ना पौधे वगैरह अच्छा लग रहा है। ये है 120 का, हम कर रहे हैं बार्गेनिंग, पर भैया बोल रहे हैं इसमें नहीं हो पाएगा, फ्री वाला ले रहे हैं। तो हमने ले लिया बहुत सारे प्लांट और मैं निकाल रही हूँ फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स लिए थे। अरे यार फ्रूट्स से पता है गोवा लेने गई थी मैं, और कितना दूर तक चली गई थी बताती हूँ मैं स्टोरी बाद में, अच्छी वाली स्टोरी फ्रूट्स के बारे में। तो चलो पहले ना प्लांट्स दिखा देती हूँ कौन कौन से प्लांट्स हम लोगों ने लिए हैं। ये देखो कितने सारे प्लांट्स ले लिए हैं मैंने, इनमें से बहुत सारे 10-10 के भी ले लिया है, मुझे ये बहुत पसंद है पाम ट्रीज। तो हम लगाएंगे शाम को करेंगे खुदाई, अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है यार। चलो अंदर चलते हैं। इन लोगों ने मेरी स्लीपर्स कहाँ डाली हैं? दे दो तर्विश प्लीज, गिव मी। मामा आपके गुआवा के चक्कर में मैं कितनी दूर गई पता है? और गुआवा कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। मैंने कहा अच्छा तो भैया पपीता ले लेती हूँ मैं, कम से कम खा लेंगे। तो यार मैं आ गई हूँ घर पे, अभी पता है हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत ज़ोर से डोर मारा है, भूल गई थी कि मेरा ही घर है ये, किसी का भी हो ऐसा डोर नहीं मारना चाहिए। तो यार देखो मम्मा ने कहा था कि ना गोवा लेके आने के लिए, तो मैं गई थी जो मेरा काम था उसके बाद सोचा कि चलो फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो वहाँ पे जैसे मैं गोवा वाले के पास गई, यार पता है कितने रुपए किलो? 100 रुपए किलो। मतलब मैंने लास्ट वीक लिए हैं तो 40 के मुझे लिए हैं, एकदम से 100 रुपए किलो। मतलब लाइक लगता है ना कि इतने ऐसे बढ़ रहे हैं रेट, इतना तो मेरे ख्याल से सोने का और प्रॉपर्टी का भी नहीं बढ़ता एक हफ्ते में, इतना ज़्यादा रेट 60% समझो ऑलमोस्ट, 40 से सीधा 100। यार तुम थोड़ा टशन दिखा के ना कि भैया इतना महंगा दे रहे हो, क्या है ये है वो है, मैं आगे से जाके लूँगी। मैं चली गई और भी आगे, कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जहाँ से मैं लेती हूँ हमेशा, वहाँ पे वो भैया ही नहीं थे ठेले वाले, और फिर वो कहीं मुझे अमरूद दिखे भी नहीं। और मैंने उसी रेट में अच्छा खासा मैंने 2 किलो पपाया ले लिया 100 में, और मैंने 100 रुपीज़ केजी ऑरेंज ले लिए। लेकिन यार बाद में दोबारा से मेरा ना उसके पास जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि बंदा वो एटीट्यूड दिखाएगा कि देखो घूम फिर कर ये आई मेरे पास ही। तो इसलिए ना होता है ना कि थोड़ा सा दोबारा से कहीं और से मैं ले लेती 100 के, बट उसके पास मेरा जाने का फिर मन नहीं हुआ, और मुझे फिर कहीं और कोई मिला भी नहीं, तो इस चक्कर में हो गया। और तभी मुझे ये ना भैया दिखे, प्लांट्स वाले ना सोसाइटी के अंदर एंटर ही कर रहे थे। फिर मैंने इनको बोला भैया मेरे पीछे पीछे चलो जल्दी से, हमें प्लांट्स चाहिए, बहुत टाइम से सोच रहे थे कुछ प्लांट्स लेने थे लगाने के लिए। और मुझे ना चाइनीज़ वाले जो पाम ट्री होते हैं बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैसिनेटिंग से लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इवन हम लोग जाते हैं चीरा वगैरह की साइड में ना जंगलों पे, जब हम जंगलों को एक्सप्लोर करते हैं सब मिलकर पागलबंदी करते हैं, तभी मुझे ना ये वाले ट्रीज इतने प्यारे लगते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ये चाइनीज़ पाम ट्री बहुत ही प्यारे लगते हैं।
एक अलग ही शोट आती है घर के बाहर भी। तो मैंने अभी दो ही लिए हैं, पहले तो मैं घर के बाहर लगाऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे जब घर सेट करूंगी ना तब मैं दिखाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है अपने रूम को कैसे कैसे मुझे सेट करना है, वॉशरूम को कैसे करना है, सो वो सब मैं करूंगी। ऑफकोर्स जब पूरा हो जाएगा तब मैं एक होम टूर तो देने वाली हूँ आप लोगों को। सो अभी तो हम लोग बस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ना तविश का स्कूल यहाँ से बहुत पास में है, तो इस मेन था कि तविश की वजह से कि उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था पहले, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था अराउंड, उसको एक घंटा बस में जाना, फिर उसके बाद स्कूल के बाद एक घंटा आना, तो वो टाइम सेव हो रहा है वहाँ पे। और सही है, हमें शिफ्ट होना ही था, तो इसलिए हम लोग पहले भी फटाफट शिफ्ट हो गए कि एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसको तो थोड़ा सा ना बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा उसको एग्जॉशन हो जाता था, इतना ट्रैवल करता है बच्चा ही है अभी वो, तो इस चक्कर में, बट अभी सही है, आराम से जाता है, आराम से आता है। सो यार देखो, इसमें ना कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है, सिर्फ हॉट वाटर है, क्योंकि मैं चाय पीने वाला है सेट, और उसके बाद ही हमें ये सारे प्लांट्स लगाने हैं जो लिए हैं आज। चलो अभी मैं चलती हूँ नीचे, है ना, देखती हूँ मैंने चाय बनाई है या नहीं, उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्लांट्स। और ये देखो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट है, बच्चे खेल रहे हैं, जाएंगे हम भी कभी। सो नाउ इट्स टी टाइम, मैं पीती हूँ चाय जैगरी डाल के, और ग्लासेस का तो आपको पता ही है यार, मम्मा को अच्छे ग्लास नहीं आते क्या स्टील के चाय पीने के लिए? नहीं, चाय ठंडी नहीं होती जल्दी, और अदरवाइज मैं कप में पीती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बस यहाँ से लेकर ड्राइंग रूम तक गई हूँ या अपने रूम तक गई हूँ, वो चाय एकदम ठंडी हो जाती है, मन नहीं करता है, बट इसमें बहुत टाइम तक गर्म रहती है। और मेरी चाय की क्वांटिटी देखनी है आपको, मेरी चाय की क्वांटिटी देखनी है आपको अब, ठीक है, धीरे धीरे कि कितनी है ये देखो। आई थिंक आप लोग इतना दूध पीते होंगे जितनी मैं चाय पीती हूँ, और मैं नहीं, हमारे घर में सब, मैं भी, मम्मा भी। मम्मा अपनी चाय दिखाना ज़रा, अच्छा अपनी कम ली है आपने, मम्मा की थोड़ी सी कम है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है दूध की तरह। और अभी भाभी जी नहीं है हमारी, हम तीनों की चाय हमेशा इतनी रहती है, पापा कप में लेते हैं, बीबी भी कप में पीती है, भैया भी कप में पीता है, लेकिन हम तीनों सास बहू और ननद हम सब ग्लास में भर भर के पीते हैं चाय, खूब सारी गप्पे मारते हैं बैठ के। फिर चलो पापा को दे दो, ऐसी बात नहीं है, कप है हमारे यहाँ, कभी आपको लग रहा हो कप नहीं है, स्टील के ग्लास में पीते हैं, ऐसा नहीं है, कप है हमारे यहाँ। तो ये हो गया हमारे सारे प्लांट्स लगे हैं, लगे हाथों, ये देखो पापा मैंने सारे लगा दिए, सही करा बेटा, लगे हाथों मैंने, देखो गाड़ी भी वॉश करती है, सही करा बेटा, सही करा बेटा, कितनी मेहनत लगती है, बहुत लड़की अच्छी है, हमें सब में पानी लगा दिया, सही करा बेटा। आपको मेरी तारीफ में कुछ कहना है? नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, लेटेस्ट लड़के का काम कर रही है मेरे, टेस्ट मॉडल। प्लान सारे लग गए, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा वॉक करके आती हूँ, हवा मस्त चल रही है बाहर, मन कर गया, बहुत दिन हो गए वॉक करी भी नहीं है मैंने। सो मैं आ गई हूँ अभी इवनिंग वॉक पे, मैं करने वाली हूँ अभी, 6:30 हो रहा है, 7:30 तक वॉक करूँगी, अराउंड 1 आवर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो ऑटम सीज़न होता है ना, जो हवा चलती है सूदिंग सी, और जो फॉल होता है, मतलब पत्ते गिरते हैं, लीफ फॉल, बड़ा सही लगता है यार, मज़ा आ गया। उसके बाद मैं आई घर पे, फिर मम्मा ने बोला कुछ चीज़ लेकर के आनी थी, तो मैं और भाभी आ गए हैं यहाँ पे शॉप पे, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी, दृश्य भी साथ में आ गया था, और बस कुछ सामान लिया फिर घर गए, और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी शॉपिंग हॉल्स के लिए अपने, ऑफकोर्स यार फैशन ब्लॉगर हूँ मैं तो, ऑब्वियसली शॉपिंग तो बनती है, और शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं है, तो कुछ चीज़ें मैंने ऐड टू कार्ट करी हुई थी, कुछ चीज़ें मैं फाइंड आउट कर रही थी अपने सब्सक्राइबर के लिए, उनको ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, जो अच्छा लगे फटाक से उनको मिल जाए। सो यहाँ पे मुझे एक तो टॉप्स अच्छे लगे थे जो मैंने अभी न्यूली ऐड किए हैं, और उनको ऑर्डर मैंने फाइनली उनको ऑर्डर किया, सो बहुत जल्दी आ जाएंगे, फिर मिलेगा आपको शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, which is free word man। और शॉपिंग हॉल्स भी मैंने अभी कुछ ऑर्डर किए हैं, आपने देखा होगा ब्लॉग में, कुछ चीज़ें जल्दी से रिसीव हो जाए, क्योंकि ना कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मेरी उस वाले एड्रेस पे पड़ी हुई है, जब मैं जाऊँगी तो पिक करूँगी, और अब कुछ मैं नए वाले एड्रेस पे मंगाने वाली हूँ, सो बस यही चल रहा है, दोनों को एक साथ करना है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लेके भी आनी है इधर, तो बस डालती हूँ जल्दी शॉपिंग हॉल्स भी। और पता नहीं आजकल मेरी आयता बड़ी वीक हो गई है, मतलब जहाँ सा भी निकालती हूँ ना स्पेक्स, इसलिए आज कल आपको मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा कि मैं स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ, आज का बड़ा हेडेक सा हो रहा है, वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं स्पेक्स में भी अच्छी लगती हूँ, ऐसे भी सही लग रही हूँ, है ना। जब कोई आपकी तारीफ ना करे ना, तब खुद को अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, क्यों वेट करना किसी और का, अपनी खुशी के लिए किसी और पे क्यों डिपेंड होना, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपनी खुशी के लिए खुद ही अपनी तारीफ कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ फ्री बर्ड मांडवी, सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, love you all, do subscribe, bye bye.